लाहौर में मैरिज एक्ट की खिलाफ वर्जी करने पर 4 लोग गिरफ्तार हो गए हैं। इसकी मजीद तफसीलात में आगे वीडियो में बताता हूँ। कराची में अगले हफ्ते से दर्जा हरारत गिर जाएगा और साथ ही साथ लाहौर की फजाई आलूदगी में कमी हो गई है। एक पाकिस्तानी गुलकार ने इंडियन गुलकार पर इल्जाम लगा दिया कि इन्होंने मेरा गाना कॉपी किया है और पैसा कमाया है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है मलिक अली बिलाल और अपने चैनल पर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। तो चलते अपनी पहली खबर पे। 4 होटल्स के जो ऑनर्स हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है मैरिज एक्ट की खिलाफ वर्जी करने पर। एसपी इकबाल टाउन अहमद जम्बीर का कहना था कि जी इनको गिरफ्तार इस वजह से किया गया क्योंकि इन्होंने लेट नाइट जो है प्रोग्राम किए हैं, और जबकि आप सब लोगों को पता है कि मैरिज हॉल का जो मैक्सिमम टाइम है वो 10 बजे तक का है। 9 बजे मेरे ख्याल है लाइट्स जो है वो ऑफ कर देते हैं होटल वाले, ताकि लोग जो जल्दी जल्दी जो है वो यहाँ खाना खाने की एंडिंग होती है कोई रस्म वगैरह जल्दी करके, ताकि 10 बजे तक हम जो है होटल बंद कर दें। लेकिन आपको पता है कई हमारे में एक वो कह लें कि एक आदत है, एक परसेप्शन हर बंदे की डिफरेंट होती है, लेकिन हम लोगों में एक आदत है कि जी जब तक आफ्टर पार्टी कोई मतलब सीन ना हो तो शादी वैसे ही कहते हैं कि जी मज़ा नहीं आया शादी का, क्योंकि वो डांस पार्टी या इस तरह का कोई इंतजाम ना हो तो शादी जो है वैसे ही वो कहते हैं जी इनकम्प्लीट है। कराची में मजीद ठंड होने वाली है क्योंकि कहा जा रहा है कि जो दर्जा हरारत है वो मजीद गिर जाएगा, और साथ ही साथ कोई बारिश का जो है वो चांस अभी तक नहीं नजर आ रहा मजीद 10 दिनों तक। और 15 दिसंबर से कहा जा रहा है कि जो कराची में ठंडी हवाएं जो है वो दाखिल हो जाएंगी और जो टेम्परेचर है वो 12 से लेके 14 डिग्री तक जो है वो हो जाएगा। और साथ ही साथ लाहौर में जो है वो फजाई आलूदगी में जो है वो कमी हो गई है, मतलब हमने तरक्की कर ली है। जो पहले लाहौर जो है फर्स्ट नंबर पे थी पूरी दुनिया में सिटीज में पोल्यूटेड सिटीज में, अब वो जो है वो 3rd नंबर पे आ गई है, मतलब कि हमने तरक्की कर ली है थोड़ी सी कि हम थोड़ा सा नीचे आ गए हैं, वरना हम जो है आपको पता है पाकिस्तानी हमारी आदत है हम हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे रहते हैं। अच्छा जी, तो पाकिस्तानी गुलकार उमर नदीम ने इंडियन गुलकार सोनू निगम पर इल्ज़ाम लगाया है कि जी इन्होंने मेरा गाना जो है वो कॉपी पेस्ट करके बेसिकली एक न्यू वर्जन में लॉन्च किया है, और ये बेसिकली इनका 14 साल पुराना गाना था, और इन्होंने बेसिकली इंस्टाग्राम में एक पोस्ट डाली थी, और जो नीचे लोग हैं इनके फ़ैन हैं मतलब इंटरनेशनली भी, इंडिया में भी और यहाँ पाकिस्तान में भी, और उन्होंने कहा है कि जी उन्होंने बेसिकली काफ़ी सपोर्ट इनको किया है कि जी ये क्यों कॉपी किया जा रहा है। नाज़रीन, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम इन्होंने मतलब कोई गाना चुराया है, मतलब पहले भी आप लोगों को पता है नुसरत फ़तेह अली खान साहब उनके काफ़ी जो कवाली हैं वो मतलब उनको चेंज करके न्यू वर्जन में इन्होंने जो है वो रिलीज़ की थी। तो नाज़रीन, इसी के साथ मुझे इजाज़त मिलती है अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।